नमस्कार, मैं सारिका राठौर, एनबीसी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। हमें जुमले नहीं जमीनी हकीकत चाहिए, हमें जयरामपुरा बर्बाद नहीं आबाद चाहिए। एनबीसी न्यूज 24 की खास रिपोर्ट में जमीनी धरातल का वह सच सामने आया है, आइए लोगों का रुझान देखते हैं। जो बीच में पहले जो सामने प्रत्याशी है वो 10 साल सरपंच रहा था, लेकिन 10 साल में कोई फायदा नहीं दिया किसी को भी। कागजों में कुछ भी पूर्ति करके खा गए होंगे, लेकिन जब तक ये जनता के बीच में कोई एक भी रुपया, जिस टाइम में तो गवर्नमेंट का पैसा भी आ रहा था। अजी मेरिया, अजी मेरिया, क्या उम्र आपकी? 18। तो वोट देने लायक हो आप इस बार? आप किसको वोट दे रहे हैं? बनारसी देवी। क्या समझ के, क्या मतलब, ऐसा कौन सा उद्देश्य लेकर वोट देना चाह रहे हैं बनारसी देवी जी का? वो अच्छे हैं जो, मतलब उनको वोट देने के बाद वो अच्छे काम करेंगे, पानी की समस्या को दूर करेंगे, और वो जो बोलते हैं जो अतिक्रमण कर रखा उनको उठाएंगे। तो आपके युवा हो, युवा होने के नाते युवाओं की जो भूमिका होती है वो एक अहम भूमिका होती है, तो आपके लिए ऐसे कौन से उद्देश्य लेकर जो है बनारसी देवी जी मैदान में उतरी है, और आप इनसे क्या अपेक्षा करते हैं? यहाँ पे खेल का मैदान होना चाहिए बच्चों, बताइए सब, बताइए। यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान होना चाहिए एक तो, और जितनी भी व्यवस्थाएं लड़कों के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, वो सब होनी चाहिए यहाँ पर। और जो आगे जनसलाब भी उमड़ी है, ये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उमड़ी है। महादेव सिंह खंडेला जो MLA है, पूर्व सरपंच हरीश सिंह का बुआ का लड़का है, इन महादेव सिंह के माध्यम से इस गांव में इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना आतंक, इतना भूमि रोकी है गोचर की, करीब 100 बीघा जमीन महादेव सिंह का ननियाल वालों ने रोकी है, उसके खिलाफ ये जनता सारी खड़ी हुई है, और इसके खिलाफ हमने आवाज उठाएंगे, महादेव सिंह के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और गोचर की भूमि दोबारा मुक्त करवाएंगे। अच्छा, सरकारी बोरिंग हुई है ना पानी के लिए, जो सरकारी बोरिंग, सरकारी ट्यूबवेल बनाई गई, लेकिन वो खुद के महादेव सिंह के मामा के लड़के सींच रहे हैं, 3 बोर जो खेती कर रहे हैं, गांव की छाया मर रहा है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है, वो खेती इसलिए क्योंकि वो बनाते भी खुद ही हैं और फोड़ते भी खुद ही हैं। वो जयरामपुरा ग्राम पंचायत किस आधार पे लग रहा है आपको? आज बहुत बढ़िया काम कराने वाला बच्चा है ये। क्या क्या उद्देश्य आपने अपने मस्तिष्क से के ये उद्देश्य पे जो है घनश्याम जी खड़े? ये उद्देश्य ऐसा है कि ठेका कर लेते हैं, रोड का ठेका भी लेते हैं, और वैसे भी उद्देश्य सही है, इसका काम बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। आपको क्या लगता है जी, ये विकास के कार्य में अच्छा लड़का है, अच्छा काम करेगा, आगे भी भविष्य में करता है, जो पहले किया आज तक किसी ने नहीं किया, जो ये बच्चा है अच्छा काम करेगा आगे भी जाके। किस उम्मीदवार के लिए बोल रहे हैं हम? घनश्याम शर्मा। घनश्याम जी अच्छा, बहुत अच्छा उम्मीदवार है, जनता की उम्मीदें खड़ी उतरेगी, और इसका लगन भी है कि मैं जनता की सेवा में उतरूं और एक काम करके मौका दूंगा। सर, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मोहनलाल। मोहनलाल जी, इस संघर्ष के जो ये जो संघर्ष का जो मैदान जो चल रहा है, सत्ता का जो खेल यहाँ जो चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन उम्मीदवार कहाँ तक जो है जीत पाएगा और किस उद्देश्यों को लेकर वो आगे बढ़ पाएगा? साहब, और छोरों छोरों से जी, बढ़िया योग्य छोरों से, पटेल के बीच है, आगे काम करवाड़ो भी है, और के उद्देश्य आपके हिसाब से यहाँ पर जो गांव का जो विकास की अगर हम बात करते हैं, तो विकास थोड़े क्रास के साहब, किस किस विकास को किस किस नजर से देखते हैं आप? विकास को किस नजर से देखते हैं आप? किस तरह से हमें समझा? पानी, हाँ, सड़क पानी हो, और कोई योजना हुई, सब थोड़े करवा सकते। इसके अलावा युवाओं से इनकी गाँव पर देखते हैं, आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मेरा शुभ नाम बीरबल सिंह। हासिल कर लेंगे और अपना रास्ते किस प्रकार से कर पाएंगे? ये नया उम्मीदवार है जो ये ग्राम पंचायत की सड़क, पानी, जो भी युवाओं के लिए खेल मार्गदर्शन, हर चीज़ के लिए, विकासशील के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा, और हमेशा आगे के भी जो भी युवा हैं उनके एक भविष्य की उज्जवल कामना के लिए ही तत्पर रहते हैं हर काम के लिए। ये बात भी हमारे बीच में सामने आई है कि जयरामपुरा ग्राम पंचायत से ज्योति शर्मा ने
विष्णु धाम मंदिर पे जो है शपथ एक इन्होंने खाई है, कसम भी इन्होंने खाई है कि मैं अब विकास कार्यों में आने वाले संपूर्ण राशि को विकास कार्यों में खर्च करूंगी। विकास के मामले के अंदर जो विकास कार्य में जो पैसा खर्च हो रहा है और पूरा का पूरा पैसा जो है ये पूरे विकास कार्य में लगाएं, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्या ये आपके लिए आपके हिसाब से उचित है या अनुचित है? जी सर उचित है। कि आगे विकास के लिए जो एजेंडे हैं उसको कैसे देखते हैं? जी सर, जैसे अभी जो आजकल जैसे बच्चों का जैसे कई बार रेपिड बलात्कार ऐसे कैसे सामने आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे एरिया के अंदर जैसे ये बच्चों के लिए कोई जैसे उनको एक्टिविटी जैसे जुड़ा कराटा एक्स्ट्रा उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करें। और जैसे अभी ग्रामीण एरियों में अभी जैसे बरसाती पानी है वो यूँ वेस्ट जाता है, उसके लिए कुछ काम करें। और जैसे अपनी जगह जगह कई जगह लाइटें नहीं है, उसका भी थोड़ा कुछ होना चाहिए। और एनबीसी न्यूज 24 की ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर जो विश्लेषण किया गया, सबसे बड़ा जो इसके अंदर विश्लेषण आया, ज्योति शर्मा जो ग्राम पंचायत जयरामपुरा से हमारे बीच में, ज्योति शर्मा का एक बहुत बड़ा विश्लेषण सामने आया कि बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए, नारी उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने एक जूडो कराटे के आयोजन और उसके जागरूकता शिविर का जो है वो अगर वो सरपंच पद पे आती है तो वो उसका जो है आयोजन करेगी और इस विकास कार्य को की गंगा को जो है वो आगे लेके जाएगी। ये एक बहुत बड़ा पक्ष हमारे बीच में है और हम इस पर इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहेंगे। आप किस नजर सोचते हैं सर कि ज्योति शर्मा इस एजेंडे को कहाँ तक लेके जाएगी? बहुत आगे तक लेके जाएगी। किस उद्देश्य से आप इस चीज को देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं आप? युवा संगठन की उद्देश्य से मैं देख रहा हूँ, युवा होने के कारण ये हर युवा के बारे में सोचते हैं। पिछले 5 सालों के अंदर जो विकास हुए हैं और वर्तमान में जो है जो उम्मीदवार भी खड़े हैं वो आगे विकास को किस तरफ से लेके जाएंगे, तो उन दोनों की तुलना किस हिसाब से करते हैं? वो 5 साल पीछे डाल दिए हमको। बता पाएंगे सर कैसे पीछे हो गए आप? हर चीज में पीछे हैं सर, हर चीज में कमीशन चलता है। लेटरिन बाथरूम के 12,000 में 2,000 रुपए कमीशन है उनका, चेक 2,000 रुपए दे के जाओ और 12,000 का चेक लेके जाओ, ये है उनका। और विशेष ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहिए, अपडेट रहिए एनबीसी न्यूज 24 के साथ। कैमरामैन गौरव सिंह जादव के साथ में मैं पवन कुमार, एनबीसी न्यूज 24 जयपुर।